हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सेशन होने वाला है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बात का ध्यान देना फ्रेंड। क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है वो किससे है, प्रॉफिट लॉस से। फ्रेंड्स, एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, यानी कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में जो है पूछे गए हैं, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स क्वेश्चन आप देख लिए होंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कभी आपसे गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक व्यापारी को 40 रुपए में 150 खिलौने बेचने से 30% का लाभ होता है, यदि उसे 50% का लाभ प्राप्त करना हो तो कह रहा है 40 रुपए में कितने खिलौने बेचने चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ध्यान समझिए फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि मूल्य इंटू मात्रा बराबर क्या होता है, खर्च। मूल्य इंटू मात्रा बराबर क्या होता है, खर्च। ऐसा समझिए फ्रेंड, जैसे मान लीजिए हम लोग मार्केट गए, अगर कोई कह दिया कि भैया आलू कितने रुपए किलो है, तो आप बता दिया कि 20 रुपए किलो, तो आप कहे 2 किलो दे दीजिए, तो इसका मतलब 20 गुणे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 40। तो आपने टोटल कितना खर्च किया, 40। वही मूल्य इंटू मात्रा बराबर क्या होता है, खर्च होता है, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान समझिए, अगर फ्रेंड्स मान लीजिए मैं मूल्य किसी का 40 रुपए है, मान लीजिए चीनी का प्राइस है 40, आप 30 केजी आपके घर की खपत है, तो यानी टोटल खर्च आप कितना करेंगे, 1200, कितना हो जाएगा 1200, यही है। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स मूल्य बढ़ गया, मूल्य 40 से कितना हो गया 60, आप चाहते हैं कि खर्च अब मेरे घर का पहले जितना था अब भी उतना ही रहे, आप चाहते हैं कि खर्च मैं उतना ही करूं, तो इसका मतलब मात्रा में कमी करनी पड़ेगी, तो मात्रा कितनी लेनी पड़ेगी, 20, तभी तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए कितना आ जाएगा 1200, यहाँ 1200 कर देंगे, अगर 60 हो गया तो 60 में 1200 में भाग कर देंगे तो भी 20 आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। अगर फ्रेंड्स देखिए खर्च यहाँ पे सेम है, अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो अगर खर्च सेम है तो मूल्य देखिए 2:3, तो मात्रा कितना हो गया, 3:2, तो यानी अगर फ्रेंड्स खर्च सेम है तो इस बात का ध्यान देना, मूल्य का मतलब क्या होता है, प्राइस। प्राइस का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, क्वांटिटी। आपका क्या होता है, क्वांटिटी, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर आपका एक्सपेंडिचर, खर्च को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सपेंडिचर अगर आपका सेम है, तो यानी मूल्य का उल्टा क्या होता है, मात्रा, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, तो इसी कॉन्सेप्ट बेस अब हम आपको क्वेश्चन सिखाने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे भी खर्च सेम है, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, खर्च सेम है। अगर खर्च सेम नहीं रहेगा तो फ्रेंड्स मुझे खर्च सेम करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना, वो आगे क्वेश्चन में मैं आपको सिखाने वाला हूं। कह रहा है फ्रेंड्स, एक व्यापारी को 40 रुपए में 150 खिलौने बेचने से 30% का लाभ होता है, तो इसका मतलब अगर हम प्राइस यानी मूल्य की बात करें तो 30% का लाभ होता है, तो कितना हो जाएगा, 130। यदि उसे 50% का लाभ प्राप्त करना हो, तो हमेशा देखिए फ्रेंड्स 100 मानते हैं, तो 50% का लाभ होगा 150, 0 से 0 कैंसिल। अगर फ्रेंड्स देखिए हमने कहा खर्च सेम है, तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, तो आपकी जो क्वांटिटी हो जाएगी फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा, 15:13, कितना हो जाएगा, 15:13। तो देखिए 15 की वैल्यू कितना दिया है, 150, 150 खिलौने लेता था, तो फ्रेंड्स कितने गुना है, 10 गुना है, कितने गुना है, 10 गुना है, तो 13 का भी फ्रेंड्स 10 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 130 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करने का एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूं। दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों को एक डायरेक्ट ट्रिक याद रखना है, एसपी फर्स्ट अपॉन 100, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, 100 प्लस माइनस पी इज इक्वल, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एसपी सेकंड अपॉन क्या होता है, 100 प्लस माइनस, इसको P2 मान लीजिए, इसको P1। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर 40 रुपए में 150, यानी यहाँ भाव की बात हो रही थी, यहाँ भाव लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भाव लगा देंगे, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। भाव का मतलब क्या होता है, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, यानी रेट को नीचे रखेंगे, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का आएगा, तो अब इसी पर रख देंगे, 40 रुपए में कितना खिलौना आपसे खरीद रहा है, बेच रहा है, तो 40/150, 30% का लाभ होता है, तो बटे कितना हो जाएगा, 130, यही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 50% का लाभ करने के 40 में कितने खिलौने बेचेगा, तो 40 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से n अपान कितना हो जाएगा, 100,
50 हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम समझ जाते हैं कितना है फ्रेंड्स, 1 है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, बीच बीच का गुणा होता है, इस बात का ध्यान देना, और किनारे किनारे का। तो देखिए फ्रेंड, 40 से तो 40 कट ही जाना है। अब जब इन दोनों, ये इसके नीचे चला आएगा तो इसका मतलब 150 से ये भी कट जाएगा। तो यन बराबर आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 130। यन बराबर कितना आ जाएगा, 130 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस फार्मूले से भी डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बड़े आसान से कर सकते थे, एक ही यही ऑप्शन आएगा। क्लियर है? आई होप कि आप चीजें समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, 70 रुपए में 220 गेंद बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो कह रहा है 70 रुपए में कितनी गेंदे बेचे कि 10% का लाभ हो। तो अब देखिए फ्रेंड, 20% का लाभ होता है तो कितना हो जाएगा, 120 प्राइस। 10% का लाभ चाहिए तो 110, तो यानी प्राइस का जो रेशियो हो गया वो 12:10 हो गया। तो फ्रेंड्स, क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 11:12, क्योंकि खर्च सेम है। और 11 की वैल्यू आपको कितना दिया है फ्रेंड्स, 220 गेंद बेच रहा है। 11 × 2 = 22, यानी कितना गुना है, 20 गुना है। तो इसका भी फ्रेंड्स 20 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 × 2 = 24, 240। 240 यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बाकी फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट फार्मूले से भी लगा सकते हैं, जो हमने अभी बताया कि 70 बटे कितना हो जाएगा, यहां से 220, यहां 20% का लाभ हो रहा तो 120 हो जाएगा, इज इक्वल। यहां पे भी देखिए 70 रुपए में कितनी गेंद बेचे, तो 70 बटे यन कह रहा है 10% का लाभ हो 110। हमने क्या कहा फ्रेंड्स, अगर यहां नीचे कुछ नहीं है तो एक समझ जाते हैं, बीच बीच का गुणा होता है और किनारे किनारे का। तो देखिए 70 से 70 कैंसिल हो जाएगा, यहां इसको आप करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? आप 11 से काटेंगे तो 11 × 2 कितना हो जाएगा, 22, और 12 × 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 240, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 240 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान देना, यानी इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए ऐसा मैं कर रहा हूँ। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसा कि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स किस में आया है, SSC CAPF ASI में आया है। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड, 64 सेबों को 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। कह रहा 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए। तो अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, यहां 60 रुपया दिया है, यहां 36 रुपया दिया है, तो पैसा सेम नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। सबसे पहले कह रहा फ्रेंड, 25% का लाभ होता है तो प्राइस यानी कितना हो जाएगा, 125, यही है। फिर 40% की हानि होती है तो इसका मतलब कितने में बेचेगा, 60 में, यही तो है। 5 से काटेंगे तो 5 × 2 = 10, 5×5 = 25, 5 से काटेंगे तो 12। तो क्वांटिटी देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 12:25, क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 12:25। अब एक चीज का फ्रेंड्स यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहां देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 60 रुपए में जो है 64 सेब बेच रहा है, मुझे 36 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए, तो पहले इसको सेम करना पड़ेगा। तो इसको भी फ्रेंड्स मैं 36 बना लेता हूं, कितना बना लेता हूं, जो पूछा गया इसको बना लेते हैं। तो एक सेब कितने में बेच रहा होगा, तो फ्रेंड्स 64/60, मुझे 36 चाहिए, तो इंटू क्या कर देंगे, 36, यही हो जाएगा। तो अब देखिए 6 से अगर मैं इसको काट दूं तो फ्रेंड 6 × 36 और 6 × 10 = 60, यही हो जाएगा। गुणा कर देंगे, 6 × 4 = 24, 24 × 4 कितना हो जाएगा, 2, 6 × 36 = 2 = 38, यानी कितना आ जाएगा, 10 से भाग कर देंगे, 38.4 कितना हो जाएगा, यानी 12 की वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड्स, 38.4 दिया है, यही दिया है। तो इसको देखिए फ्रेंड्स, 12 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, देखिए 12 × 36, यानी कितने गुना है, 12 × 36, और 12 × 2 = 24, यानी 3.2। तो 25 का भी फ्रेंड्स 3.2 कर देंगे, कितना कर देंगे, 3.2, 25 × 50, 50 × 0 = 5 आ गया, 25 × 75 = 5, 80, एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो यानी 80 बेचेगा, कितना, 80, यानी ई ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बाकी फ्रेंड्स, अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो आपको बराबर नहीं करना पड़ेगा, ये भी तरीका फ्रेंड्स बेहतरीन है। कि देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, कि मान लीजिए आपसे कह रहा है कि 64 सेब को 60 रुपए में, तो हमने कहा फ्रेंड प्राइस को ऊपर रखना है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब 60 बटे कितना बेच रहा है, 64, कितने का लाभ हो रहा है फ्रेंड, 25% का 125, इज इक्वल। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा 36 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए, तो 36 बटे यन, और कह रहा 40% की हानि,
हानि के लिए, तो इसका मतलब कितने में बेचेगा, 60% में, यही तो बेचेगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसी को कैलकुलेट करें, हमने क्या कहा बीच बीच का गुणा होता है, इस बात का ध्यान देना, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो किनारे किनारे का। तो अब आप इसको फ्रेंड्स देखिए, मैं कैलकुलेट पूरा कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो 60 बटे कितना हो जाएगा, 64 गुणे 125 इज इक्वल आपका फ्रेंड्स देखिए कितना हो जाएगा, 36 बटे 60 इंटू n। अभी तक फ्रेंड्स देखिए मैं डायरेक्ट कर देता था, लेकिन यहाँ मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, 6 से काटेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको 6 से इसको काट देंगे, 6 × 36 आ जाएगा, 6 से इसको काट देंगे फ्रेंड्स, यहाँ कितना आ गया, 10, यही आ गया। फ्रेंड्स देखिए 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 32 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 5। और फ्रेंड्स इसको 5 से काट देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 25 यही आ जाएगा। इसको देखिए फ्रेंड, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 × 2 = 10 और 5 × 25। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 16, तो n बराबर देखिए फ्रेंड्स आपका कितना बच गया, n बराबर 16 × 5 = 80 बच गया कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी ये भी तरीका फ्रेंड्स बेहतरीन है, यहाँ पे आपको सेम नहीं करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फ्रेंड, चीज़ें अगर बेहतर तरीके से समझ में आ गई हैं तो पूरी ईमानदारी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है आप लोगों को फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। और आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकते हैं फ्रेंड्स, या आपको जिस क्वेश्चन में दिक्कत है आप व्हाट्सएप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया है उस पर भेज सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को इतना ही रखेंगे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।